क्या होता अगर मॉन्स्टरवर्स के जितने भी टाइटन्स हैं वो सभी एमसीयू में एग्जिस्ट करते और हमारे अवेंजर्स इस टाइटन से फाइट करते, तब क्या सुपर हीरो इन सभी मॉन्स्टर्स को मार पाते या फिर ये मॉन्स्टर सुपर हीरो को मार कर दुनिया पे राज करते। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर एमसीयू के अवेंजर्स और मॉन्स्टरवर्स के टाइटन के बीच युद्ध हो तो कौन जीतेगा, तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। इस शोडाउन में मैं उन सभी मॉन्स्टर को लूंगा जो हमें मॉन्स्टरवर्स के फिल्म में दिखे, जिसमें चार मूवी आते हैं, गॉडजिला 2014, कॉन्ग स्कल आइलैंड, गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। वहीं हम अवेंजर्स में उन सभी सुपर हीरो को लूंगा जो हमें अवेंजर्स एंडगेम में दिखे, उसके पहले वाले सुपर हीरो और उसके बाद वाले सुपर हीरो को नहीं लूंगा। मैंने इस शोडाउन को चार लेवल पे डिवाइड किया है ताकि कंपैरिजन करने में आसानी हो और हमें एक्चुअल में सही विजेता मिले, जिसमें है स्ट्रीट लेवल, सुपर लेवल, मेटा लेवल और सुप्रीम लेवल। स्ट्रीट लेवल, इस लेवल पर मैंने उन सुपर हीरोज को लिया है जो आम इंसान से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, जिनके पास कमाल के फाइटिंग स्किल होती है या फिर टेक्नोलॉजी की मदद से वह दूसरे से फाइट करते हैं, जिसमें है ब्लैक विडो, हॉकआई, रॉकेट, गमोरा, नेबुला, मेंटिस, ड्रैक्स और बकी। वहीं टाइटन्स में उन टाइटन्स को लिया हूँ जिनकी शक्ति आम एनिमल से ज़्यादा है या आम एनिमल से ज़्यादा बड़े हैं, जो किसी भी एनिमल्स को मार सकते हैं, जिसमें आते हैं लीप रिंग, स्पोर मेंटिस, हेल हॉक, स्कर बफलो और स्मॉल स्कल क्रॉलर। स्पोर मेंटिस और स्कर बफलो शांत स्वभाव के होते हैं तो इन्हें आसानी से मार जा सकता है। लिप फिंग हमेशा ग्रुप में शिकार करते हैं, फिर भी इंसानों ने इसे तलवार और फायर से मार दिया था। तब रॉकेट और ब्लैक विडो और हॉकआई अपने टेक्नोलॉजी से इसे मार सकते हैं। हेल हॉक इंसानों से बड़े होते हैं और इंसानों को उठा सकते हैं, फिर भी रॉकेट और हॉकआई अपने वेपन से इन्हें मार सकते हैं। वही लास्ट में स्मॉल स्कल कार हैं जो इंसानों को आसानी से निकल सकते हैं, और इसने कई इंसानों को मारकर खा गया था, फिर भी ये अंत में मारा गया। तो सारे स्ट्रीट लेवल के सुपर हीरो इसे मिलकर मार सकते हैं, तो इस लेवल पर विजेता सुपर हीरोज होंगे। सुपर लेवल, इस लेवल पर मैंने उन सुपर हीरोज को शामिल किया है जिनके पास सुपर स्ट्रेंथ है या इनके पास स्पेशल टेक है जिससे वह अपने दुश्मन को मार सकते हैं, जिसमें आते हैं फैल्कन, ग्रूट, स्पाइडरमैन, हॉपिम, कैप्टन अमेरिका और स्टार लॉर्ड। वहीं मैंने उन टाइटन्स को लिया है जो बहुत ही बड़े हैं, हालांकि इनके पास फाइट करने का एक्सपीरियंस नहीं है, जिसमें है मदर लॉन्गलेग्स, टाइटेनस डॉग, सीला, अल्फा स्कल क्रॉलर, मेल म्यूटो, रोडान और वारबैट। इस फाइट में ग्रूट और कैप्टन अमेरिका ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे क्योंकि इन टाइटन का साइज इतना बड़ा है कि इन्हें आसानी से निगल सकता है। सभी टाइटन 100 फीट से बड़े हैं और वारबैट तो 800 फीट लंबा है। फैल्कन, हॉपबीम और स्टॉलर उड़कर बच सकते हैं, पर उनका वेपन उतना खतरनाक नहीं कि इन मॉन्स्टर को मार सके। सिर्फ मदर लॉन्गलेग्स कमज़ोर है क्योंकि उसके पैर को तलवार से काटकर उसे मार दिया गया था। वहीं बाकी टाइटन्स को मारने के लिए इनके पास न तो मैजिक है न ही खतरनाक वेपन। रोडान, मेल म्यूटो और वारबैट उड़ने वाले सुपर हीरोज को मार सकते हैं, जैसे फैल्कन, हॉपबीम और स्टॉलर्ड। बाकी जैसे टाइटेनस डॉग और अल्फा स्कल क्रॉलर बाकी सुपर हीरो को मारने की क्षमता रखते हैं, तो इनमें विनर टाइटन्स होंगे। मेटा लेवल, इस लेवल पर मैंने उन सुपर हीरोज को लिया है जिनके पास बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आयरन मैन, ब्लैक पैंथर, अंटमैन और वार मशीन। वहीं हल्क को भी रखा है जिसके पास सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी है। वहीं मॉन्स्टरवर्स में उन टाइटन्स को लिया है जिनका साइज बहुत ही भयानक है, जिसमें आते हैं कॉन्ग, हीमेल म्यूटो, बिहिमत, मेथुसिला, मोथरा और रेड स्कल कारर, जो हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में दिखा था। इस लेवल पर मैंने जितने भी टाइटन्स लिया है सभी का साइज 300 फीट से 400 फीट तक है, यानी कि अगर इनका एक बार भी सुपर हीरो पर लगता है तो वह तुरंत नॉकआउट हो जाएंगे। कॉन्ग के पास तो उसका एक्स भी है, साथ ही साथ वह इंटेलिजेंट मॉन्स्टर में आता है, इसलिए उसे मारना मुश्किल हो सकता है। तो सवाल है कि क्या आयरन मैन, ब्लैक पैंथर, वार मशीन अपने वेपन से इन जेंट मॉन्स्टर को हरा सकते हैं? तो देखो कि आयरन मैन के पास खतरनाक वेपन है जिससे वह दूसरे को आराम से मार सकता है, लेकिन एक जेंट मॉन्स्टर को मारना मुश्किल है क्योंकि थेनो जैसे एलियन की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी।
जिसका वह एक बूंद खून निकाल पाया, जबकि यहाँ पर मेथुसिला जैसे मॉन्स्टर है जिसका माउंटेन जितना ड्यूरेबल है, जिसे शायद न्यूक्लियर बम से भी मारा ना जा सके। आयरन मैन, ब्लैक पैंथर और वार मशीन अपने वेपन से रेड स्कल का मोथरा को मिलकर मार दे और शायद कॉन्ग को पूरी तरह घायल कर दे, लेकिन मेथुसिला और बेहमत को मारने के लिए उनके पास खतरनाक वेपन नहीं दिखा मुई में। हालांकि एंटमैन बड़ा हो सकता है, लेकिन 60 फीट तक, जो दूसरे टाइटंस के मुकाबले बौना ही होगा, और वहीं कॉन्ग के पास एक साथ जिससे वह हल्क को बीट भी कर सकता है। बाकी सब टाइटंस मिलकर एक साथ हमला करे तो सुपर हीरो को इन सब को मारना मुश्किल होगा। तो मेरे ओपिनियन से इस लेवल में विजेता टाइटंस होंगे सुप्रीम लेवल। इस लेवल पर मैंने उन सुपर हीरोज को लिया है जो अवेंजर्स में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं, जिसमें है डॉक्टर स्ट्रेंज, थोर, कैप्टन मार्वल और स्कारलेट विच। वही मैंने मॉन्स्टरवर्स के उन टाइटंस को लिया है जिनकी फाइटिंग स्किल बहुत ही ज़्यादा है और इनके पास स्पेशल पावर्स है जिससे वह किसी भी सिटी को पल में तबाह कर सकते हैं, जिसमें आते हैं मेका गॉडजिला, किंग गिदोरा और गॉडजिला। मेका गॉडजिला के पास प्रोटॉन स्क्रीम है, किंग गिदोरा के पास ग्रेविटी बीम है और गॉडजिला के पास एटॉमिक ब्रेथ और न्यूक्लियर पल्स है, जो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच पर लग जाए तो ये तुरंत मारे जाएंगे, पर इन्हें रोकने के लिए शील्ड भी बना सकते हैं। वही कैप्टन मार्वल और थोर इनसे सर्वाइव कर सकते हैं। इस फाइट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होगा थोर और कैप्टन मार्वल का, क्योंकि थोर के पास स्टॉर्म ब्रेकर है और कैप्टन मार्वल के पास फोटॉन ब्लास्ट है। इन सब के बैटल में सबसे पहले सुपर हीरो की तरफ से नॉकआउट होगी स्कारलेट विच, क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा नहीं है। वहीं मेका गॉडजिला नॉकआउट होगा सबसे पहले, क्योंकि थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से उसके पुर्जे अलग कर सकता है, जैसे कि उसने इन्फिनिटी वार में एलियंस के शिप को उड़ा दिया था। और यह भी हो सकता है जाइंट मॉन्स्टर के सामने डॉक्टर स्ट्रेंज ज़्यादा देर तक ना टिके, तब सुपर हीरो की तरफ से बचते हैं थोर और कैप्टन मार्वल और मॉन्स्टर की तरफ से किंग गिदोरा और गॉडजिला। तो मैंने किंग गिदोरा वर्से थोर के बेटा ने बताया था कि थोर के जीतने के चांस ज़्यादा है, उसके पंख को वह काट सकता है और जिस तरह उसने सुकोया सिटी को उड़ा दिया था अपने स्ट्रॉन्ग थंडर स्ट्राइक से, उसी तरह वह किंग गिदोरा को भी नॉकआउट कर सकता है। अब बचते हैं सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर गॉडजिला। तो गॉडजिला बहुत बड़ा है और उसके पास एटॉमिक ब्रेथ और न्यूक्लियर पल्स जैसे एबिलिटी है, पर शायद उससे कैप्टन मार्वल को फर्क न पड़े। जब वह बाइनरी मूड में आ जाए तो वह शायद गॉडजिला के आर पार होकर उसे छेद कर मार सकती है, जिस प्रकार से उसने थेनोस के स्पेस शिप को उड़ा दी थी, उसी प्रकार वह मॉन्स्टर को मार सकती है। पर ऐसा करते हुए उसे किसी भी विलेन के साथ दिखाया नहीं गया है, नहीं तो विजन भी थेनोस को मार सकता था बिल्कुल व्हाट इफ के सीरीज की तरह। वहीं गॉडजिला भी कैप्टन मार्वल को इरेज कर सकती है अपने न्यूक्लियर पल्स से। सीधा कहा जाए तो गॉडजिला भी भारी पड़ सकता है सभी अवेंजर्स पर, वहीं थोर या कैप्टन मार्वल भी भारी पड़ सकती है सभी मॉन्स्टर पर, जीतने के चांस दोनों तरफ है सुप्रीम लेवल पर। इसका प्रॉपर आंसर तो इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है कि गॉडजिला और अवेंजर्स में कौन जीतेगा, तो इस लेवल में ड्रा मानते हैं, क्योंकि गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ और न्यूक्लियर पल्स से सभी पर भारी पड़ सकता है, वहीं थोर स्टॉर्म ब्रेकर से भारी पड़ सकता है और कैप्टन मार्वल अपने बाइनरी मूड से। ओवरऑल विनर निकाले तो स्ट्रीट लेवल में विनर सुपर हीरोज है, सुपर लेवल और मेटा लेवल में विनर मॉन्स्टर है, टीम लेवल ड्रा हो चुका है। अगर इस बेस पर विनर निकाले तो टाइटंस विजेता बनेंगे जिन्होंने पूरे दो लेवल को जीता है, और ये सही है क्योंकि अगर टाइटंस एक साथ मिलकर सभी अवेंजर्स पर टूट पड़े तो टाइटंस को हराना मुश्किल हो सकता है। नीचे लेवल के सुपर हीरोज और मॉन्स्टर आसानी से मारे जाएंगे, तब विनर टाइटंस होंगे जिनका पूरे दुनिया पर राज होगा। पर टाइटंस के जीतने के बाद बचे हुए सुपर हीरो उनके खिलाफ प्लान बनाकर और उनकी कमजोरी ढूंढकर मार सकते हैं और फिर से सुपर हीरो का राज होगा, बिल्कुल जस्टिस लीग एपोकलिप्स वार मूवी की तरह। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और लास्ट टाइम अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।